भूलते कद उस फूलते यार मेरा तितलियां भर का। बेबी मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ? भूतनी। क्या भूतनी? मजाक कर रहा था बेबी, मेरा मतलब है ब्यूटीफुल। तुम बहुत ब्यूटीफुल लगती हो, बहुत सुंदर। झूठ बोले कौवा काटे। झूठ? अरे नहीं बेबी, मैं क्यों झूठ बोलूंगा। तुम तो इतनी सुंदर हो कि इंस्टाग्राम के फिल्टर भी शर्मा जाते हैं। जा चुड़ैल जा 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 चुड़ैल जा चुड़ैल जा 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 चुड़ैल। चुड़ैल, यहाँ तुम्हारी लंबी उम्र के लिए मैं करवा चौथ का व्रत रखने वाली हूँ और तुम मुझे चुड़ैल कह रहे हो। अरे बेबी चुड़ैल नहीं, तुम तो चांद हो। चांद, कितनी ब्यूटीफुल हो तुम। तुम्हें चांद कह रहा था मैं। और तू साले, अब अगर एक भी वर्ड मुंह से निकाला ना तो बीच में से काट के तेरे दो टुकड़े कर दूंगा। बेबी अब करवा चौथ की तैयारी करो, मुझे 100 साल जो जीना है। इस टाइम कौन आया होगा, मैं देखती हूँ जाके। क्या हमको बोला? फाइनली सोमवार का व्रत काम आ गया। आ जाओ बाहों में आ जाओ। पतिदेव मैं तुम्हारे लिए सात समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। साला ये एक नहीं मिल रही, ये दो दो लेके घूम रहा है। ओ छजुंद्री, ये मेरे पति हैं। हाँ ये सच बोल रही है। अरे मैं बबली, तुम्हारे दादाजी ने और मेरे दादाजी ने हमारे रिश्ता कुंभ के मेले में फिक्स कर दिया था और फिर मैं अमेरिका चली गई पढ़ाई करने के लिए। आज मैं वापस आई हूँ करवा चौथ का व्रत रखने। कुत्ते कमीने, तुझे 200 साल जीना था इसलिए तूने दो दो पत्नियां रखी। अरे स्वीटी तुम्हारे पापा की कसम, मैं इसे नहीं जानता। रुको इसका फैसला मैं करूंगा। बताओ एक के बाद क्या आता है? दो। तीन से पहले क्या आता है? दो। हम दो हमारे दो। दीदी कितनी? दो। दोलू भैया जरा झाड़ू देना। छोड़ दो इन्हें, मैं अपने पति की रक्षा करूंगी। अरे स्वीटी मेरी बात तो सुनो। वैसे मैं सिंगल हूँ और रेडी टू मिंगल हूँ। ये पंकज तो ऐसे ही दिखता है, मैं तो ज्यादा हैंडसम हूँ। आप चाहे तो ना करवा चौथ का व्रत चांद की जगह मेरे को देख के खोल सकते हैं। जरा चेहरा इधर करना। कैसे हो दादाजी? झंड हो गई है जिंदगी बेटा, तुम्हारी दादी अब भी करवा चौथ का व्रत रखती है, अब तो पगली अमर करवा के ही मानेगी। दादाजी आपने बचपन में पंकज का रिश्ता किसी बबली के साथ किया था क्या? बेटा कल कौन से कलर का कच्छा पहना था वो तो याद रहता नहीं, बचपन का क्या घंटा याद रहेगा। रखता हूँ बेटा, तुम्हारी दादी की मसाज का टाइम हो गया। बेबी मैं सिर्फ आपसे ही प्यार करता हूँ, आप अपना मूड मत खराब करो, कल पूरे दिन भूखा भी रहना है। आई लव यू बेबी। ठीक है मार्केट से जाके मेरे लिए मेहंदी की कोन ला दो, मुझे मेहंदी लगानी है। हाँ ठीक है मैं भी लाया, रुको। अरे पतिदेव आप आ गए, ये देखो आपके नाम की मेहंदी लगाई है। अरे ये कौन मिलेगा बबली जी? वो स्वीटी जी को मेहंदी लगानी है। कौन के बदले मुझे पप्पी मिलेगी मेरे पंकुपति से? मेहंदी का रंग चढ़ेगा लाल, मेरे पति की उम्र होगी 100 साल। अरे स्वीटी, बेबप्पा निकली है तू। साले तेरी अंताक्षरी की तो आ, 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 आ,
मारो बबली जी से। ये क्या लिख रही हो? सच्ची तो कह रही हूँ पंकज, तुम बेवफा निकले। तुमने 7 जन्म का प्यार 3.5 में बांट दिया। अगर तुम कहो तो अभी उस बबली को घर से बाहर निकालूं? हाँ जाओ अभी निकालो। रात ज्यादा हो रही है, कल सुबह निकाल देते ना। अभी बेचारी कहाँ जाएगी इतनी रात को। अभी निकालो वरना तुम्हें निकाल दूंगी यहाँ से। ठीक है मैं कुछ करता हूँ। बबली जी, दादाजी ने मेरे हाथ में 2-2 लड्डू एक साथ थमा दिए, पर मैं दोनों लड्डू एक साथ तो नहीं खा सकता ना। अगर मैंने खाए तो स्वीटी मेरे मुंह में करेला ठूस देगी, तो आप प्लीज यहाँ से चली जाओ। बबली जी सो गई क्या? बबली जी, बबली जी। अरे बेबी सब ठीक हो जाएगा, मैं आ गई हूँ ना। बोला था ना पति को हाथ मत लगाना। पति देव आप अब सो जाओ, कल आपका चेहरा देखकर ही व्रत खोलना है। चार बज गए हैं, उठ जाती हूँ अपनी सर्गी खा लेती हूँ, फिर तो पूरे दिन भूखा रहना पड़ेगा। अरे कहाँ गई, मैंने यहीं तो रखी थी। सॉरी सोतन, भूख लगी थी तो मैंने तुम्हारी सरगी खा ली, वैसे भी पूरे दिन भूखा रहना है ना। तो बाय, गुड नाइट। आशीर्वाद दो पति देव। ओए साइड हो जा, पहले पैर मैं छूंगी। हमारी शादी को 3 साल हो चुके हैं। आशीर्वाद तो पहले मैं ही लूंगी क्योंकि मैं तो वाली का वजू। मान जा नहीं तो आज दनादन हो जाएगी। तो मैं भी टपाटप कर सकती हूँ। अरे लड़ाई मत करो, एक एक पैर काट के रख लो, फिर लेते रहना आशीर्वाद। गुड आइडिया। नहीं मेरे पैर मत काटो, नहीं नहीं मेरे पैर मत काटो, नहीं नहीं मेरे पैर मत काटो, नहीं नहीं नहीं। उठो, ये क्या बक रहे हो, उठो जल्दी से, जाओ जाके फ्रेश हो जाओ और तैयार हो जाओ। ये 2 बीवी के चक्कर में मेरी बैंड बजने वाली है। एक बीवी करे पूजा, एक बीवी करे योगा, पंकज भैया तुम्हारा क्या होगा? चुप कर, जब देखो बक 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 करता रहता है। गुड मॉर्निंग पतिदेव, मेरे साथ योगा करोगे? स्वीटी मैं आया। बेबी बहुत जोरों की भूख लग रही है, देख के आना चांद निकला या नहीं। ओके बेबी मैं देख कर आता हूँ, रुको। ठीक है, लेकिन अगर उस बबली के साथ दिखे ना। ओके बेबी। बेबी नहीं आया चांद अभी भी। निकला। आज सारी पत्नियां चांद की तलाश में भूखी प्यासी बैठी हुई है, और गुड न्यूज ये है कि चांद बाहर आ चुका है।
तो बाहर जाइए और अपना व्रत तोड़िए एंड ईट व्हाटएवर यू वांट टू ईट मैन। चलो चलो चलो। अरे यार मेरे लिए कब लड़ेंगी दो लड़कियां, या मेरे से एक से सेटिंग नहीं हो पा रही। चौथपति देव, मंचो सूप की तरह 1/2 में मत बट जाना, समझे? अरे स्वीटी मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, मैं किसी और का नहीं हो सकता। लेकिन आज बबली ने भी मेरे लिए व्रत रखा है, तो मैं उसका व्रत भी खुलवा देता हूँ। देखो तुमने मेरे लिए व्रत रखा है, मुझे देख के अपना व्रत खोल ले। तुम्हारे बीच नहीं आऊंगी, मेरा व्रत पूरा हुआ, अगले साल फिर आऊंगी व्रत तोड़ने, तब तक तुम खुश रहना इसके साथ। तुसी जा रहे हो, तुसी ना जाओ। ये कितना प्यार करती है मुझसे, कितनी औसम है यार। और दादाजी ने पूरी जिंदगी में एक सही काम किया था, उसे जाने कैसे दूं, कैसे रोकूं, क्या करूं। बबली बबली मुझे सब याद आ गया। बबली जब हम दोनों पालने में थे तब दादाजी ने हमारा रिश्ता पक्का किया था, और खुशी के मारे मैंने तो डायपर में ही सुसु कर दिया था। और मुझे याद है बबली, तुम भी खुशी के मारे वे वे करके रो रही थी। और एक दिन कुंभ के मेले में हम दोनों बिछड़ गए, तुम अमेरिका चली गई और मैं यहाँ लक्ष्मी नगर आ गया, है ना बबली? मैं सही कह रहा हूँ ना बबली? लेकिन अब हम साथ रहेंगे, अब तुम यहीं रहोगी बबली। बबली तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, तुम्हें यहीं रहना होगा बबली। क्या बबली यही रहेगी? बबली नहीं जा रही, बबली नहीं जा रही, बबली नहीं जा रही, बबली नहीं जा रही। दादाजी की कौन? क्या क्या हुआ पत्नी नंबर टू? दादाजी ने कहा कि लड़के का नाम पंकज नहीं पवन है, और वो बगल वाली गली में रहता है। मैं जा रही हूँ पंकज, I'm sorry, bye. तो कैसा लगा मेरा मजाक? मस्त एक्टिंग करता हूँ ना मैं बिल्कुल। दोनों हाथ में लड्डू चाहिए, तुम्हें तो आज मैं एक्टिंग सिखाऊंगी। भाभी जी बजाइए। नहीं नहीं, नहीं। Hey guys! तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। रेड वाला बटन ऐसे दबाओ, सब्सक्राइब करो, बिल्कुल फ्री है। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ जल्दी। बाय बाय गाइस, टेक केयर, बाय।